अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी बहावल नगर में, पंजाबी में आ जाओ। खैर मैं मौजूद हाँ जी बहावल नगर च, और एक फैसल पैलेस है जी, उत्थे एक शादी अटेंड करना है। तो वैसे मैंने यह जो शौक कोई नहीं, फजूल जो व्लॉग एवं ये वो, अंदर का जमीर जरा ना गुवारा नहीं करता कि व्लॉग बनाइए, लेकिन फिर मैं कोई नहीं अपने जमीर न मार के असं भी जरा ना एक काम कर छड़ने हैं। अज एक फजूल जहा व्लॉग बनाना जिंदे तुम्हें फैमिली तो मुरादो वाली नहीं, जो डक्की भाई विखा दें, मतलब मैं अपने कजन वगैरह उस दे नाल तुहानू जिहड़ा ना थोड़ी डिशेज वगैरह खाने विखावांगा, ट्रेडिशनल वैडिंग कह लो, समझ गया ने? चलो लेट्स मूव इनसाइड। अभी जी दुल्हा साहब नहीं आए, मतलब बारात अभी नहीं आई, इसलिए वो अभी इंतज़ार में है। कल मैं आया था लेकिन कल मैं लेट हो गया ना, तो मुझे खाना नहीं मिला, इसलिए आज मैं जल्दी आ गया कि आज खाने से ना रह जाऊँ। बाकी ये सीन है, चेक करें। करिए जी, हमारे गांव के अजीज़ दोस्त में मौलवी साहब भी हैं जी, ठीक है, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं हमारे। मौलवी साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तीन तालबान ने चुके ले जाने, जो तुलिए बना के फिर ना ठीक हो गया। वैसे भी हमारे इलाके के लोग बड़े जुनूनी से हैं ना। हाँ, तालबान के नाल हैं। हाँ ठीक हो गया, चलिए आगे चलो। नाजरीन यहाँ पे आपको पता है आधे मौलवी आए बैठे हैं और आधे मेरे जैसे दाढ़ी मोन लोग हैं, तो इसलिए उन्होंने ना म्यूजिक चलाया, सॉन्ग चलाए जरूर है लेकिन उसमें ना वो प्रॉपर एक सॉन्ग नहीं है, बस म्यूजिक चला दिया उसका और गुजारा कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको कुछ दिखाता हूँ जनाब, से एस्ट्रोलॉजी के फैन और दिन रात व्लॉग देख रहे हैं। जी भाई क्या हो रहा है, सलाम नहीं लेना? असल मेरा, मैं आपको बता दूँ सीन क्या हुआ है। सीन ये हुआ है कि मैं पहले आके बैठ गया था प्रॉपर इनके पास ना, तो मुझे अचानक याद है कि व्लॉग स्टार्ट करना है, तो मैं उठ के बाहर चला गया, दोबारा फिर आ रहा हूँ, इसलिए उनका वो एक एक्सप्रेशन ही नहीं आया। हाँ जी म्यूजिक का खैर है जी, आन दस अस तो मोनेटाइज ही कराना है। ये क्या रीज़न है भाई कि उन्होंने बगैर वो बोल शोल नहीं है, सिर्फ म्यूजिक ही चल रहा है? अच्छा इस्लामिक लोग बैठे हैं, किसी थोड़ा टच दे रखा है ना, आपका भी दिल बहल जाएगा, और माशाल्लाह आप भी पूरा वो बाकी का सीन छोड़ के इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये थोड़ा बहुत इंजॉय होता रहे हैं। चले सही है, ज़बरदस्त हो गया। खाने का सुनाए आज क्या क्या कुछ इंक्लूड है? कट्टा कल खाया था, कट्टा नहीं खाया इसलिए सही हुआ ना। कल भाई लोग पहुंचे सारे लेट और कट्टे से रह गए, आज भाई जन टाइम टू टाइम आ गए कि आज कट्टा ना छूटे, ये सीन है आज है ना। चलो खैर मैं फाइनल आसफ भाई का चैनल भी मैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इन भाई का भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फुल प्यार दिखाइएगा। भाई जान कि गाने पर पाबंदी नहीं होने की वजह है कि खाते में बस सारी खड़े आज नहीं ले गए यार। मुन्नी शुन्नी नचाओ अल्लाह दे बंदे, बदनाम करो उन्हों, कोई हाल नहीं तुहाडा, खुश रहा कोई नहीं बंदोबस्त, काम तो तुहाडा इस वेखण वाले आए जी। भाई जान म्यूजिक भी छड्डी खलोता तो अगुआ वलीमे तो गाने नहीं चल रहे, हुण बंदा की करे इन्हां दा, अल्लाह ही वारिस। इत्थे हर बंदे की नज़र कट्टे ते ही होनी, कौन गाने सुन। लो जी आसफ भाई जा रहे हैं जी वीडियो बनाने वास्ते, उन्होंने वाले साहब ने फोन किया कि मेरा मोबाइल पकड़ो, पकड़ के वीडियो बनाओ हाल दी, हम बाहर की वीडियोग्राफी चेक करें। अच्छा नहीं, अच्छा आधे वाले साहब का व्लॉग बना वीडियो बना रहे हैं, माशा चेक करो दिखावे जी हूँ। क्या बात है, कितना मोबाइल है जी? V21E। मैं भी आईफोन वेट ही लेना, तबादला करिए भाई। नहीं हाँ जी आसफ साहब व्लॉग हो गया जी, फोटोग्राफी हो गई वधिया, माशाल्लाह जबरदस्त। लो जी आसफ साहब फाइनली सोफा छड़ के आ गए। हाँ जी हूँ कितने बैठना है जी? इतने आ गए। क्यों तुम क्यों उठाए ने? नाजरीन आप हर बार छोड़े, आप यहाँ के गनमैन को देखें, उसने गन रखी हुई है गोदी में और ऐनक वगैरह लगा के सिंधी चादर भी ओढ़ी हुई है, फुल सेठ बन के बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे शादी है भाई की। खैर नाजरीन ड्रोन भी उड़ गया और हमारे लाड़े साहब भी आ गए, चेक करें। और ये रहे जी फोटोग्राफर और उसमें से एक वीडियोग्राफर है। खैर नाजरीन फाइनली खाना हमारा लगने वाला, बल्कि आ चुका है, घोड़े भी आए। खाने में देखिए जी आज सबसे पहले इन की आखते हैं भाई, चिकन बोटी नहीं, चिकन पकौड़ा है। आसफ भाई प्रमोशन करवानी है मेरे हाथ से, चमचा देखो ये तो ज्यादती है भाई, या तो तेन चमचा देने नहीं, चमचा तो मुँह च नहीं आना, चार बार साडा लिंक देवे तेन आज चमचा भाई जान, मैंने लिंक चैनल से लाने की गल की, मैं क्या चमचा चुका, चमचा नहीं चमचा देता यार भाई जान, मेरे मुँह च पूरा आना। भाई जान गर्मी लग रही, ड्रोन साढ़े उत्ते ले आओ, है
खाना आ गया जी, लोग भी बखे पैन लग गए। लड़ो ना भाई, लड़ो ना, बनिंदा पे कोई मसला नहीं, टेंशन ना लो। मेरी शादी खा के हम लोग भी फ्री हो गए और लोग सारे बाहर निकल रहे। दरअसल लोगों को इतनी जल्दी थी खाना खाने में कि छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए मैंने भी सोचा कि ब्लॉग के चक्कर में कहीं भूखा ना रह जाऊँ, इसलिए फिर ब्लॉग नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब भाई खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम तुम जी ब्लॉग वेखा उस मैं जी उत्थे शादी हाल से शादी खाते पीते वेखी हुई। हूँ नाजरीन चले हैं जी बाहर मोटर से नहावन, धोती पाई वैसे माल बजा नहीं जाना, धोती भी मैं बनी ना जी, जी मैं गोल बनी थी मैंने बननी नहीं आई, मैं वाल ली उत्ते इस धोती ना मतलब बजसी तो वैसे मुंह भरने डिगसी क्योंकि बजा नहीं जाता स्पीड ना। सूरत हाल ये भी मैं जी चलिया जी नहावन मोटर से जी, मैं कान इस तो पहले धुप जाए तो मैं टुर चला। तो दूसरी गल है भी थले जगह वेंदे पर कोई नहीं पाया है जी, बाकी कमीज जिन्होंने कहने हाँ तो फुल पेंडू जी। बाकी जो उत्ते इस को मुंह बलेटा वेख तो कोई पहचाने ना भी मैं नहावन जाता, तुम्हें पता है जो ना फेमस बंदे की जिंदगी बड़ी तंग होंगी, आपस की गल है मैं मजाक की जाना। बाकी दूसरी गल असल मेन परपस ये भी मुंह बचावना है जी याद है, ताकि धुप ना पवे तो मुंह काला ना हो, क्योंकि तुम तो मुंह वेखना होता डेढ़ जी तुम की लेना भावे काला हो यार कुछ गड़ा ही हो गया। फिर चलो सीधा जी सा ट्यूबल रहा जी भाजी साढ़े बंदा एक एक हाथ में धोती फड़ी दूसरा उस हाथ में शैंपू फड़िया है। इस तो पहले पहले धुप थले जाए क्योंकि जी सोलर प्लेटा से काम लगे हुआ है ना जी, यार एक धुप थले हुई ना एक और बड़ा सीन होता है जी, बाजूगार बंदा शैंपू साबुन सुबुन मार के खड़ा होते कर जाता रहा आ जाता बदोल मोटर बह जाती बंदा डिगदा रहा बदोल हटे तो मैं कल नाव इस तरह का सीन बड़ा होंगे जी, जिसे सोलर की मोटर चलती हो पानी लगा हुआ जी। चेक करो नाजरीन चेक करो अभी आ गए जी नाव, बाकी हम ला सकते हैं जी नहाने आया और अचानक जो है ऊपर बादल आ जाए और मोटर हो जाए मट्टी ले फिर आप शैम्पू लगाए। फिलहाल मैंने नहा लिया है जी, उर्दू चाह पंजाबी चाह जिन्हें कि मैं नहा लिया जी, लेकिन घर चलते तक पैर खराब हो रहे सन, पैर हटते फिर जाते हो सन चस आ गए ने खुले पानी से नहावन बावे लख टप्पा च वड़ जाओ शाही लग्जरी होटल जाते नहा लो, लेकिन इतने वाली ठाठ की तरह कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे जी। मैं इस टाइम अपने घर के बाहर ही मौजूद हूँ, लास्ट टाइम आपने देखा था मैं नहाने गया हुआ था, तो आज तो तीन चार दिन हो गए उस बात को, लेकिन आज कुछ हस्तियाँ आई हुई हैं मैं आपको उन हस्तियों से मिलवाता हूँ। सबसे पहले तो ये भाई हैं जी, खैर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान खैरियत से? बिल्कुल ठीक यार, मैं तो इस्लाम ले ही को नहीं तो पहले आ गई वालेकुम भाईजान ये होते बहुत ज्यादा गाने सुनने के नुकसान। कौन सा सॉन्ग चला रखा है भाई? सिद्धू मूसे वाला? अच्छा खैर, मैं भाई भाई जो है ना हमारे मिंचनाबाद के मशहूर तरीन यूट्यूबर भी हैं, ठीक है, और टिकटॉकर भी हैं। बाकी दूसरी बात ये कि आपको इनके चैनल के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि ये दोनों भाई मेरे क्लास फेलो हैं, मैट्रिक दे जी, ठीक है। अगर तुम लास्ट में ब्लॉग देखो से कैफ एस सी का क्लास फेलो है, ये दोनों भाई मैट्रिक दें जी, असं आई थिंक कि सन पढ़ते रहे समीर ला 15-17 अच्छा बड़े पुराने मॉडल है, मैं तो आज आप बाल समझता सी यार अच्छा उस बाद भाई समी भाई ने इन्होंने नाम भाई अदील है, लेकिन क्लास भाई ने डंडा छिक्या होंदा हा कोई गल करके वेख कोई बोलते वेख के भाई जान मोनीटर होंगे मोनीटर होंगे साड़ी क्लास का, ठीक है, तुन के रखता थली जिम्मे तुन्नी कोई नहीं उठती यार, उधर तुहाडी लड़ाई भी हुई सी एक अद्धी वारी, ठीक है, अज वेखो भाई जान जोड़ी बन के कट्ठे बैठे ने। हाँ साढ़े पूरे क्लास पूरी स्कूल के खासकर मैट्रिक लैवल वो कहें ना कि जी यारी होंगी ना स्कूल लैवल की वो अनोखी होंगी, जबकि कॉलेज उत्ते भी बंदे बेली बनते हैं, उस तो बाद जनाब यूनिवर्सिटी लैवल के भी होंगे, लेकिन जी इस स्कूल लैवल की जी चस होंगी और जी यारी होंगी ना जी वो बड़ी पाएदार होंगी। मतलब कि जितने भी साढ़े दिगर क्लास फैले उन्हें सारे अपने अपने कामों से मसरूफ होंगे, टाइम नहीं होंगे, लेकिन आप भाई और रिवाज देने यार फिर भी अपने दोबारा हो गए हाँ नहीं हटके फिर कहते नवी क्लास एडमिशन ले ली अदील भाई ये सॉन्ग के पीछे की राज है?
ਇਹ ਸੌਂਗ ਬਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਬਾਈ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਉਹ ਹੈ ਸੌਂਗ ਹੈ ਟੁਨੂ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੁੱਕ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਲੋ ਮੋ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਈ ਸਮੀ ਹੋਰਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਸੌਂਗ ਲਾ ਵੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਸੌਂਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਵਲੌਗਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ 100 ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਭਾਈ ਜਾਨ ਛੱਡੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਸਮੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਰ ਬਾਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਸ ਬੋਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੌਕ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵਲੌਗਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਬਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਜਾਨ ਯਾ ਤੇ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵਲੌਗਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ ਖਾਵਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਸਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਖਾਵਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਾ ਆਪਨੇ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਯਾਰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ अच्छा यार इतनी देर हम प्ले बटन की बातें कर रहे और भाई एंड पे पूछ रहे यार ये प्ले बटन क्या होता है यार भाई तुम मारो हेलो भाई मुझे मारो यार रहने दो मुझे मारो यार खैर नाज़रीन अभी सीन बताता हूँ क्या हो रहा है मुझे पुट्ठा सा चश्मा लगा दे रोलिया मेरा वही है गरीबों वाला और ये जी साइडों पे चल के मुझे दरमियान में चला के ना स्लो मो बना रहा है ठीक है और ये गंदा करने चले यार यार पता नहीं तेरे सेंच क्यों आईडिया आ रहा है गंदे आलम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे यार अभी अभी बारिश हुई है और बड़ा खूबसूरत व्यू बन गया है अब मैं वो मम्मी डैडियों की तरह ये तो दिखाऊंगा कि नाज़रीन देखो कितना प्यारा व्यू है वो सीन नहीं है चीज़ें कुछ मुख्तलिफ है देखने वाली आप जरा ये देखें यार हमारे यहाँ ना बड़ी मुश्किलात होती हैं जब ये बारिश हो के जाए ना एक तो ये छाँव का यार ये छोटी सी टाली थी हूँ पंजाबी चाह जाने टाली आई निकी जी यार ये टुट गई आ दूसरी यार पठिया पै गई मैं छुट गई तो तीसरा यार एक और दरख्त दरख्त कितने डिगा कि डिगा ये किकर नहीं टाली है मामा वाह भाई शहजादे किकर वो तो अच्छा वेखो अक्सर यार जो तो बारिश तूफान आंदा ना यार वेखो अभी हूँ एक आह टुट गया जी ठीक है ये टुटिया पे नो लोग लाल गई एक इतने टुट के पे आ कोने इधर फोकस हो रहा ठीक है तो दरख्तों का छाँ छूँ का बंदोबस्त इतने ही होना जी सारा काम तबाह होगी बाकी एक और है यार सिल्वर प्ले बटन आया से यार तो ना मैंने हूँ मेल आया उन्होंने कहते अटैम्प्ट फेल हो गए कि जरा टाइम तो जो रिसीवर से है ही कोई नहीं तो भाई मैं तो हाँ मैंने तुझे लिया के दिता ही नहीं फिर अच्छे लोरू मैंने कॉल आया कि प्ले बटन आया पे मैं गला दो भाई मेहरबानी करो मैंने महीना हो गया उड़ीकते पैन हूँ मैं कल आ सी तो फिर इनबॉक्स भी कर बाहर निकल 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 यार एक तो मैं नहीं काबू पिया दुनिया कितों आ सी साढ़े लगे बंद निकल वा अब अच्छा पता नहीं किसी होर का है जी छोटी की और आया फिर तेन बाहर कड़ो ए पता नहीं जिंदा भी इन्हें बजाओ पर अच्छी है यार अच्छा ਟੁਰ ਪੈ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤਾਲ ਬਾਣ ਲੱਗਣ ਟੁਰ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਦਲੀਲ ਆ।